भाई आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, ठीक है, तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं जो भी होगा वजीफा चले, वजीफा जो भी है, ताकि उसके बाद कोई काउंसलर किसी खांचे में नजर ना आए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हमारे पैसों से मारेगा। दूसरी बात ये है कि इख्तियार क्या लेके आ रहे हो, ये सब बताएंगे। आज से पहले आपने 20 साल पहले किसी काउंसलर से ये सवाल जवाब दे देता, समझ रहे हैं आपकी बात सही है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप क्या अमल कर रहे हो, क्या लाए अमल, आपको पता होना चाहिए। मुझे, मैं बताता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसके अंदर सब तरफ मुड़ने का चांस है ना, ठीक है, रिवर्स भी जाती है, तो आपके पास इख्तियार होगा ना कि भाई मैं गटर ढक्कन लगाता हूँ, कुत्ता मार सकता हूँ, सफाई मार सकता हूँ, सफाई उठा कर सकता हूँ, सैवरेज की लाइन कर सकता हूँ, हम आपसे वही सवाल पूछेंगे, उसके अलावा नहीं पूछेंगे, उसके अलावा नहीं पूछेंगे, जो इख्तियार आप क्लेम करके आओगे ना उसके अलावा आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, बस हमें तो उसमें क्या, उसमें कमी नहीं चाहिए। अच्छा ये चीज डिफाइन जरूर कर देना कि एरिया कौन सा, कहीं ऐसा ना कि ये मेरा है, ये बराबर वाली रोड किसी और की है, अभी तो हमारी ये चल रहा है, ये वो ये वाली चीज नहीं करना है यार, अभी तक हमको आप लोगों ने कैसा पाया है, नहीं सब अच्छा पाया, अच्छा पाया, देखिए देखो मेरे भाई बात सुनो, कंप्लेन आई है नैब के, जो वो लागते हैं जस्टिस साहब जिनके ऊपर वीडियो आई है, उनको इतना अच्छा पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, फिर उसके बाद उनको नैब के चेयरमैन बनाया, इतना अच्छा बनाया गया, पता चला वो तो औरतों में ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो हर किसी को अच्छा समझते हैं। अगर हम यहाँ से लेने थे ना, हालांकि ये तो इधर जो PWD का है जो ठेकेदार होता है उससे तो लोग 50-50 हज़ार कहीं और के लोग आके ले जाते हैं, हम तो लोग तो यहाँ पर एक रुपया बल्कि अपनी जेब से 7-8 हज़ार अगर आप लेंगे, अगर आप लेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि वो रकम तो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी, आपके बच्चों के जिस्म का हिस्सा बनेगी, और जन्नत में उस वक्त भी जाएगा नहीं जब तक प्योर नहीं हो जाए, तो ये आपके अपने जो वॉलंटियर काम कर रहा है, अपनी जेब से लगा के काम कर रहा है, और मोहब्बत से काम कर रहा है, और दिल के दिल से काम कर रहा है। ये बात कर दी आपसे कि देखें जब आप आए ना तो अपनी एक ट्रांसपेरेंसी के डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, आप मुझसे इन चीज़ों के सवालात करें, जिसके बाद जो सवाल आते हैं ये मेरे से पलटेन नहीं करते, हम क्या करेंगे, हम उस बंदे को रेलिवेंट को पकड़ लेंगे, इसका मकसद ये, आपका दरवाज़ा हम बिला वजह खटकाएं, हमसे बोले यार ये मसला, आप बोले यार मेरा टेरिटरी नहीं है, तो हमें पहले डिफाइन कर दो यार ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी बाउंड्री लाइन है, ये मेरी लिमिटेशन है, और ये बात हम सबसे काम कर सकते हैं ना, आपसे इसीलिए कहा हमने, कहा बिल्कुल आपसे इसलिए कहा, हम आपसे कोई तीसरा सवाल नहीं करेंगे, आपसे दो सवाल हैं, बोलोगे यार हाईवे बना दो, हम शादमान के पीछे पड़े हैं, क्यों बना दे यार, वो तो आप इंशाल्लाह जीत के वहाँ जाएंगे, मेले के जो हमारे जो उसमें आता है उसकी पूरी कोशिश, आपके साथ खड़े होंगे भाई, हम आपसे बोले, हम हर पार्टी से पूछेंगे कि भाई आप इख्तियार का लेके आ रहे हो, नहीं हमारा राइट है ना, ये राइट है, अच्छा एक बात बताओ, राइट है ना ये पूछने का है ना, तो बस आप हमें वही डिफाइन कर देना, जवाब बताऊँ आमिर भाई, आप जीते या कोई और जीते, ठीक है, एक अहद हम सबसे लेंगे, जो हारेगा उससे भी लेंगे, कि ये जो जज्बा है खिदमत का, हारने के बाद वो बाकी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इस वक्त 6 पार्टियाँ चल रही हैं, तो उनके 10 आदमियों का पैनल तो होगा जो इन्होंने विड्रॉल भी करे होंगे, 10 आदमी तो होंगे ना, ये 60 आदमी हमें चाहिए, ठीक है ना, जो यूसी की खिदमत करें, जीत के तो 4 है 6 आएंगे बिल्कुल, लेकिन ये 60 आदमी हमें चाहिए जो लोगों के साथ, ठीक है, ये कहना चाहूँगा कितने सालों के बाद आप यहाँ खड़ो के बात कर रहे हैं, वरना आप यहाँ खड़ो के ऐसे जैसे खड़े हुए हैं ना, बात नहीं कर सकते बारिश में, बारिशों के सीजन में आप यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते थे जितना पानी होता था। बताता हूँ आपको, आज से पहले हमने सिस्टम पे कभी गौर ही नहीं करा था, ठीक है, जब लोगों ने सिस्टम पे गौर करना किया ना, तो कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि कम्युनिटी जहाँ रहती है ना उसको उसका हल का पता होता है, ना वो हल डिप्टी कमिश्नर के पास होता है, ना वो उस इलाके XCN के पास होता है, ना वो वज़ीर आज़म सदर के पास होता है, ना CM के पास होता है, वो वहाँ के बंदे को पता होता है कि ये मसला मेरा कैसे हल होगा, तो कम्युनिटी ने ये चीज़ सीख ली और ये चीज़ जो है तजवीज़ देना शुरू कर दी कि अगर आप मेरा ये मसला ऐसे हल करोगे तो ऐसा हल हो जाएगा, ठीक है, आज भी मैं ये रोड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये भाइयों ने, इन सब भाइयों ने मिलकर एक चीज़ बनाई, और पानी वहाँ जा रहा है, ऑक्सफोर्ड के पास कितना पानी खड़ा होता था, वो पानी वहाँ पर एक उन्होंने एक ड्रेन बनाया, वो उसमें चलाता है, तो देखो हमारी ज़िंदगी रवाएँ, इधर से हर शख्स गुजर रहा है, छोटा बड़ा बुजुर्ग सभी गुजर रहा है ना, तो ये उसके लिए भी अजर है और आपके लिए भी है, डेवलपमेंट के काम करवाए ना आपके शादमान टाउन में,
तो ये ड्रेन बना देने से कोई 30 माह पहले भी ड्रेन बने हुए थे लेकिन पानी जाता किधर, तो हमने लाइन उतारी ना बिला सियासी तफरीक के, पूरे शादमान में काम करवाया, उसी लाइन से कनेक्ट हुई है। फिर उसके बाद जब सरफेस मौजूद होगी तो रोड बनेगा, फिर ड्रेन भी उसी सूरत में काम करेगा जब उसका ड्रेन का पीछे से स्लोप रैंप अच्छे बने हुए होंगे। आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, हमने भी किया, मिलके चल रहे हैं, मिलके चलेंगे। यही जज्बा हमें आपसे अभी भी है और 24 जुलाई के बाद भी होगा। आप जीतेंगे तो भी होगा और नहीं जीतेंगे खुदा ना खास्ता तब भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एरिया है। एक सोच जो है ना, देखें एक सोच हमें पता है कि हम क्या चाहते हैं। ये सोच ना इस यूसी में भी डेवलप हो और ये सोच पूरे शहर में हो कि जो बुनियादी मसाइल है ना, ये पार्टी और सियासत से बालातर होने चाहिए। ये हर बंदे का हक है, क्योंकि जब हम रोड से बेगो सड़क गिरता है ना, पर कोई बंदा एक्सीडेंट होता है तो मुझसे नहीं पूछता तुम मुसलमान हो, तुम गैर मुस्लिम हो, ठीक है, तुम कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हो, उर्दू बोलते हो, सिंधी बोलते हो, पठानी बोलते हो, क्या कौन सी पार्टी के हो, हम उसको रेस्क्यू करते हैं। जीतने के बाद जो है ना, खाली पीटीआई के नहीं रहेंगे, फिर हम सबके हो जाएंगे, हर एक को एक साथ लेके चलेंगे हम। ये लेवल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हट जाए कि हम पीटीआई के, चले हम कोशिश करेंगे सबके साथ। चले, ये बहुत अच्छी बात कह रही है आपने आखिर में, बहुत जबरदस्त।